आज के टॉप 10 रख देता हूं गुरुवार के आपकी स्क्रीन पे। बहुत सारे क्वार्टरली अपडेट्स। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, बढ़िया अपडेट है। क्यू ऑन क्यू नए लोन 34% का जंप दिखा रहे हैं, कस्टमर बेस भी 5% का इंप्रूवमेंट। उसके बाद कुछ और फाइनेंशियल्स की क्वार्टरली अपडेट्स आए तो उनको एक साथ रख दिया। एलएनटी फाइनेंस का अच्छा था, बंधन बैंक की सीक्वेंशियल वीकनेस ज्यादा बड़ी हाईलाइट थी। सूर्योदय के क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे थे जो अभी चर्चा हुई थी, ये तीनों रडार पर रहेंगे। ऐसे ही वेदांता का क्वार्टरली अपडेट आया है, कई सारे सेगमेंट्स के अपडेट इन्होंने सामने रखे थे। लार्जली ज्यादातर सेगमेंट्स बेहतर थे, 2 या 3 में बस डिसअपॉइंटमेंट था। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है। आईटीडी सीमेंटेशन प्रमोटर्स कह रहे हैं हम शायद पॉसिबली अपना स्टेक बेचें, बहुत इनिशियल अभी रुझान है। इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी इसकी प्रमोटर है। सेलो वर्ल्ड कल QIP बुक लॉन्च, 730 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। मैरिको और साथ साथ काया दोनों रडार पर रहेंगे, काया ज्यादा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाता है। मैरिको दरअसल काया के 75 से ज्यादा जो डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स और मार्केटिंग देखेगी। आसान शब्दों में अच्छी खासी रीच मिलेगी काया के प्रोडक्ट्स को। आवास फाइनेंशियर्स नेटवर्क एक्सक्लूसिव कहती है, जो इसके करंट प्रमोटर्स हैं 2 PE प्लेयर्स केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप, कंप्लीटली एग्जिट करने की तैयारी कर रहे हैं इस कंपनी से। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस और भारत फोर्ज स्क्रीन पर रखिएगा। ब्रिगेड ने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करा है बेंगलुरु में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, तो भारत फोर्ज के लिए अमेरिका के क्लास से ट्रक्स की बिक्री का आंकड़ा बहुत कमजोर आया है, 14 महीने के लोस पे पहुंच गया, इसीलिए दिक्कत में है। कुछ लार्ज ट्रेड्स कल हुए थे जिसमें यथार्थ हॉस्पिटल में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने चंक खरीदा है 20 लाख शेयर्स का। पर धर्मज क्रॉप गार्ड में कल तेजी के बीच में इलारा ने 2 लाख के आसपास शेयर्स बेच दिए। और कुछ इन फोकस स्टॉक्स छोड़े जाता हूं जिसमें वोडाफोन आइडिया, आज से बढ़ी हुई टैरिफ लागू होंगी। गुजरात गैस, आज से इंडस्ट्रियल गैस की जो कीमतें बढ़ाई हैं इंप्लीमेंट हो जाएंगी। गोदावरी पावर एंड इस्पात आज से बायबैक खुलने जा रहा है, और साथ में ये एक्जिगो आज इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सब रडार पे। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और स्टॉक सारे स्क्रीन पर रखने के लिए जो जो आज प्राइस मतलब प्राइस सेशन के साथ। अब आते हैं आज की डे अप्रोच पे। आज एक्सपायरी डे है निफ्टी के लिए, कैसे अप्रोच करें 24369। जैसे कि अनुज कुछ देर पहले कह रहे थे कि 24400 महत्वपूर्ण। अनुज लेवल्स टू वॉच कैसे रहेंगे उस मद्देनजर? देखिए वीरो, ब्लू स्काई टेरिटरी में अगर मार्केट हो तो उसके बाद लेवल्स बेमानी हो जाते हैं एक टेक्निकली। उसके बाद हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन राइटर्स कहाँ पर बैठे हैं उसके हिसाब से। तो 24432 और 24512 वीरो, दो कॉल राइटर्स जो 24400 24500 के हैं बेसिकली, वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट मिलेगा आपको 24286 कल का क्लोज और 24207 कल का लो। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपने लॉन्ग्स को कैरी करें, स्टॉप लॉस बढ़ा लें, 24207 पर ले आएँ। फ्रेश बाइंग जोन 24300 से 350 का है और फिर 24250 से 24300 के, ये बाय जोन्स हैं। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 24207 टूट गया तो बस ये लॉन्ग ट्रेड इस स्विंग में ख़त्म होगी बेसिकली। बैंक निफ्टी पर आ रहा है। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रेड भी है अगर 24432 फेल हो स्ट्रिक्टली इंट्राडे, 24450 के स्टॉप के साथ। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक अच्छी प्री बजट रैली चल रही है यहाँ पर, सीधा लेवल्स पर आते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगी आपको 53256 और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 53500 पर। हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खुल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर खुल रहे हैं, फिर 53500 सपोर्ट 52800 और 52500 के रहेंगे। अपना स्टॉप लॉस 52800 पर ले आइए। 53000 तक की कोई भी गिरावट मिले तो उसमें बाय करने की कोशिश करिए। ओके, लेवल्स टू वॉच है।